दिल्ली के इस हॉट सीट पर कड़ा मुकाबला, मनोज तिवारी जीतेंगे या कन्हैया कुमार, जाने क्या कहता है एग्जिट पोल। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून यानी कि मंगलवार को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में राष्ट्रीय राजधानी की, तो राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। इस पूरे चुनाव में दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कारण, यहां पर बीजेपी के वर्तमान सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस के टिकट पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कन्हैया कुमार का सीधा मुकाबला जो है। हर किसी की जुबान पर यही चर्चा है कि ये सीट किसके खाते में जाएगी। लेकिन इस बीच इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में विपक्षी गठबंधन को झटका लगता नजर आ रहा है। दरअसल एग्जिट पोल में राजधानी में बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस आप प्लस आपको 0 से 1 सीट मिल सकती है। इस चुनाव में टिकट बचाने वाली बीजेपी के एकमात्र सांसद मनोज तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हावी नजर आ रहे हैं। उनकी जीत के आसार प्रबल दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको, देश की राजधानी दिल्ली में अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को 54% वोट मिले हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 44% वोट मिलने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को आपको बता दें मतदान हुआ था और कुल 57.67% मतदान दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को जारी किए जाएंगे, जिसके बाद असल तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्ता में कौन आया और कौन बाहर हो गया। लेकिन अभी की बात करें तो दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि इस बार पार्टी ने अपने 6 सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। यहां बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा और सीधा मुकाबला है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी रण में है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बाकी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। फिलहाल दिल्ली में एग्जिट पोल में बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 1 सीट पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर दिख रही है। ऐसे में कल यानी कि 4 जून को ये साफ हो पाएगा कि आखिर दिल्ली में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों पर संतोष करना पड़ा है। हालांकि मंगलवार को स्थिति साफ हो जाएगी और ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर देश में किसकी सरकार बन रही है, और ये भी साफ हो जाएगा कि जनता ने किसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।